फरीदाबाद के सेक्टर 23 के इलाके में दबंगों का कहर दिखा, जिन्होंने ना सिर्फ राह जाते लोगों की जमकर पिटाई की बल्कि महिलाओं के साथ भी अश्लीलता के साथ पेश आए और उनके साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई भी की, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस महिला के साथ इन्होंने हाथापाई की उस बहादुर बेटी ने इन दबंगों की गुंडागर्दी का विरोध ही नहीं बल्कि लाठी उठाकर इनके पीछे दौड़ पड़ी। इस नज़ारे को देखकर हमेशा से इन दबंगों के सामने दुबकने वाले सेक्टर वासी भी जोश में आ गए और नतीजन 3 दबंगों में से एक को दबोच लिया गया, उस पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस हाथापाई में बहादुर बेटी के शरीर पर कई चोटें भी आई, इसके बावजूद उसने बिना किसी खौफ के महिला थाने में देर रात अपना बयान दर्ज करवाया। पुलिस ने आखिरकार कई विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन बहादुर बेटी और स्थानीय लोग अभी भी पुलिस की ढीली कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। बहादुर बेटी ने साफ कहा है कि यदि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार नहीं किया तो वह अपने बच्चों समेत ट्रेन के आगे कूद जाएगी। वहीं पूरे मामले पर महिला थाने की जांच अधिकारी ने बताया कि जल्द ही फरार प्रिंस और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के लोगों के बयान के आधार पर पहचान करवाई गई है। यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ सेक्टर 23 में रहता हूँ, मेरी अपनी सुनार की दुकान है और ये सारे के सारे ड्रामे मैं पिछले कम से कम हर हफ्ते देखे आ रहा हूँ और सिर्फ खून के घूंट पी कर बैठा हुआ कि यहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं है। इस लड़की ने जो हिम्मत करके काम किया, बहुत अच्छा काम किया और थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हुई, मगर उसके बाद जब धमकियां आनी चालू हुई है, धमकियां यहाँ तक आ रही है कि लड़की तो चली जाएगी, उसके बाद नंबर आएगा 22-23 के लोगों का जो इसका साथ दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं धमकियां? धमकियां सब मुयसर से आ रही है, आपको मुयसर से धमकी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और ये धमकी आई है कि जो ये लड़की चली गई अपने गांव घर चली जाएगी और नंबर आएगा 22-23 के जो निकल के आए इसके साथ उन सबके नंबर आएगा। और लिटरली ये हाल है, उन पर पूरा प्रेशर है। हमारा केस कल रजिस्टर्ड नहीं हुआ और रजिस्टर्ड करने का मतलब हम लोग 6 बजे यहाँ से निकले हुए और हमारी कंप्लेंट 4:30 बजे जाके एनरोल होती है, हमको एंटरटेन किया था और कभी सर्वर्स में है, कभी ये सवाल कभी वो सवाल, कभी थाने में हंसी मजाक और उसके बाद उल्टे आरोप लगाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ जो आदमी आए वो हमारी महिला अधिकारी के साथ हर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। थाने में जब इस बेटी का मेडिकल कराने के लिए गए, इसके अंदर आपका बीके पे और बीके के अंदर जो मेडिकल हो रहा है उसको 1.5 घंटा लेट कर दिया गया और कोई मेडिकल करने को तैयार नहीं और वहां पर हंसी मजाक हो रहा है और 1.5 घंटे जब उनसे हाथ जोड़ के भाई साहब करो करो करो, उसके बाद क्या आरोप लगाया जाता है? तुम में से कौन था जो डॉक्टरों को और पुलिस वालों को गाली दे रहा था? यानी केस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं कि हम केस सही है रजिस्टर करेंगे कि ये लोग आए हुए हैं पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बल्कि ये आरोप लगाया जा रहा है केस रजिस्टर करने के सवाल और ना उसको सही चलने पे। और ये पूरा का पूरा यहाँ के नेताओं का हाथ है, तभी ये पुलिस चुप है, नहीं तो मतलब ही नहीं चुप है साहब। बिल्कुल बिल्कुल दबाव है और तभी नहीं तो पुलिस काम क्यों नहीं करेगी, पुलिस के हाथ क्यों काटे हुए? ये कहीं ना कहीं से पूरा राजनीतिक दबाव है। जो एक बंदा आपने पकड़ा था वो कहाँ पे है? वो साहब वो थाने के अंदर है और हाँ बाकी नहीं पकड़े गए। कितने और लोग थे जिनके इस बेटी के हिसाब से? 3 थे। लेकिन ये ना दो ने मार पिटाई की है, 3 जब स्टार्ट हुई तभी वो भग गया, जब सो नजर नहीं आया, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, फोटो टोटम कहीं भी जैसे पहले को टिका ना वो नजर ही नहीं आया। अब आपकी क्या मांग है? सब मांग यही है, हम सारे के सारे सेक्टर 23 को जाम करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, हमको हमारा फैसला चाहिए, हमें ये एंट्री ऐसी बंद चाहिए, जो गलत गतिविधियां यहाँ पे होती है हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे मर जाएंगे। अब ये बीड़ा भांग लिया है, मैं अकेला बहुत हूँ, चाहे मार्केट हो चाहे ना हो, ये बेटी बहुत है, हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी समझ के। ये सब क्या सोचते हैं कि सामने वाले की लड़ाई है, मैं बीच में क्यों रहा हूँ? ये लड़ाई सब एक आदमी की है, सबके ऊपर आएगी, आज सारे इकट्ठे होते हैं तो हो जाए, अदरवाइज सबको पिटना पड़ेगा। मुयसर के लोग वो सारे एक साथ है मगर सेक्टर का एक भी वासी एक साथ नहीं। गुंडागिर्दी कर रहे थे भैया, पहले तो 22 सेक्टर में करे, फिर सोना रोड पे करते हैं, फिर मेरे जिम के बाहर किया उन्होंने, फिर मेरे पीछे पीछा करता यहाँ पे आए, तो उन्होंने बदसलूकी की इसलिए मैंने उनका ये हाल किया। मैंने भी भाई काफी, उन्होंने मेरी मतलब टी शर्ट पे हाथ डाला है, खरोचे उरोचे हैं मेरे को, मैं दिखा भी सकती हूँ सबको, मैंने डॉक्टर मैंने सब करवाया है, तो लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 2-3 बार तो मैंने छोड़ दिया। बिगर जैसे भी कोई जो भी गुजरुक दिख रहा है, लेडीज दिख रही है, कैसे भी सबको पकड़ रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ा। एक लड़की है उसके भी आंख पे भी अटैक किया उसने, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए ज्यादा वो हुआ है। जब मेरे को मारने दौड़े तो मतलब 23 में जो भी मार्केट वाले हैं उन्होंने मेरी मदद की है। तो कब से इनका आतंक है? इनका आतंक है कम से कम 3-4 महीने हो गए मुझे देखते। कितने लड़के हैं? ये 7-8 लड़के हैं। किस तरीके से आते हैं? ये ऐसे आते हैं जैसे गुंडागर्दी के माहौल में, जैसे कोई लड़की के लिए है उसी को मतलब धमकी देना, उसको पीछे से पीठ पे मार जाना, बैक साइड मार जाना, जो भी कुछ है मतलब? आंखों देखी कहानी है सारी। तो
इतने लंबे समय से चल रहा था तो कभी शिकायत नहीं की? किसी ने शिकायत की लेकिन किसी ने सुने नहीं और फिर डर की वजह से किसी ने एक्शन नहीं लिया। धमकी देते हैं? हाँ जी, धमकी अच्छी अच्छी देते हैं। सरे हम करते जो कुछ करना होता है। क्या कहते हैं धमकी देते हुए? धमकी ये देते हैं, लड़कियाँ उठा देंगे गलत जो भी कुछ करेंगे, माँ बाप देखते रहेंगे, बीच रोड पर लिटा के कर जाएंगे। बताया जा रहा है कोई एक इलाका बताते हैं हम इस इलाके के धमका। हाँ वो मुझे सर के हैं, उन्होंने खुद एक दूसरे का नाम मतलब लिया तो हमें पता है, उनका नाम नहीं, हम तो उसे जानते भी नहीं है। रात को देखते हैं खूब उलंगड़, मतलब 1:30-2 बजे तक खूब मचा कर जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाए हैं, मारपीट क्या है वो? हाँ हमने हकीकत दिखाई है आपको सारी, जो क्या है उसके अंदर क्या दिखाया? उसमें यही दिखाया कि उन्होंने मतलब जो भी कुछ गलत किया है सारा उन्होंने गलत किया। अगर मैंने गलती की है तो अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एकजुट हुए हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं क्या? हाँ जी पुलिस पे सब कहीं जा रही, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल महिला थाने गए थे? हाँ महिला थाने भी गए थे, उन्होंने हमें ये कह दिया आज मेरी तबीयत खराब है, कल 5:30 बजे कंप्लेंट करी थी और उसकी सुनवाई 3:30 बजे हुई है। उन्होंने कहा भाई वहाँ जाना है मतलब सुबह जाना है ना 10 बजे, तो उन्होंने ये बात भी इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, या तो शाम को 4 बजे एक्शन लूंगी या फिर कल देखती हूँ, ये कहा उन्होंने। तो आपने इस जो जब आपके साथ हाथापाई हुई है, हाँ जी, उस वक्त क्या पोजीशन थी, आपको किस तरीके से मारने की कोशिश की? मुझे मारने की गलत उनके मतलब उसके हाथ में चाकू कई चीजें थी, मतलब चैन वगैरह थी, लाठियां भी थी, काफी था, मतलब अगर सेक्टर वाले मेरी मदद नहीं करते शायद मुझे काट के रख जाते हैं। और कोई आपको क्या धमकी दी थी? मुझे धमकी दी है अगर मतलब ना इसका तो 376 बनाना है सबका सामना, और एक बार नहीं 50 बार थाने में जाने के बावजूद भी उन लोगों ने यही कहा है अगर इसका ना 376 बनाना है किसी, या गोली मारना है इसके बच्चे, इसको मतलब साबुत जाना नहीं है, यहाँ से छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। आपको क्यों गुस्सा आ गया एकदम? मुझे गुस्सा ही है जब वो लड़की की हमारा ना, और लड़की के सामने चैन खोलकर पैंट खोलकर खड़ा हो गया, यहाँ सबके मौजूद की बात है, मेरे बर्दाश्त नहीं हो भैया, बस ये बात है। आप क्या करते हो? मैं एनजीओ में क्राइम लीड हूँ। एनजीओ में क्राइम? हाँ जी हाँ जी। जिम में भी जाते हो? हाँ जिम में ट्रेनर हूँ। ट्रेनर हैं आप जिम? हाँ जी। तो इसीलिए फिर आपने कहा कि दो दो हाथ कर ही लिया? हाँ जी कर ही लिया जाए, काफी टाइम हो गया ना, बर्दाश्त की हद होती है, आदमी तो कोई कुछ बोलता नहीं है, क्यों सब उनको देख के सब सो बढ़ा के अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अब लड़कियां ट्यूशन जा रही है, जवान बहन बेटी कभी कुछ कभी, रोज का हंगामा है, रोज का, एक दिन का नहीं है, रोज का है। कल 3 लड़के थे उनमें से एक को कैसे पकड़ा? एक को मैंने इसलिए, एक को तो मैंने लठ मारा उसको, तो वो जैसे ही भगा ना, तो जैसे एक के पीछे भगी दूसरे को, सेक्टर वालों ने सोचा भाई शर्म की वजह से चल लेडी जागी आई है तो क्यों ना जाए हम लोग, तो फिर हमने सब ने मिलकर, हाँ जी मेरे को देख के सबकी हिम्मत बढ़ी है। सेक्टर 23 में रहते हैं, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, जिस तरीके से बदमाशी बताई जा रही है? एक्चुअली में हालात तो बड़े कंडीशन क्रिटिकल है, क्योंकि आज से 3-4 पहले भी कई चांस हो चुके हैं छेड़खानी के, झगड़े भी हुए हैं यहाँ पे, कई बार कंप्लेन भी की गई, उसमें हमने राजीनामे भी करे, सब कुछ हुआ। अब लास्ट टाइम कल तो यहाँ पे जो बिल्कुल अति सी हो गई थी, उसमें यहाँ पे सरेआम जैसे बात हुआ तुम ये सब हुआ, और इस बच्ची ने, मैं उसी सामने दुकान में बैठा होता उस टाइम, वहाँ जब ये हो रहा था तो ये बच्ची आई, इसने तब इसने उनको मारना जब शुरू करा तब हम बीच में आए, तब वो बाद में जैसे डंडे डुंडे लेके आए, तब उस दौरान इसको बच्ची को मैं बचाने के लिए बीच में आया था। तो उस दौरान उनमें एक और हमारी बहन थी, हमारी भाभी लगती हैं गीतांजलि जी, उनके भी चोट वोट लगी हल्की फुल्की, उनके भी लगे डंडा डुंडा, तो उस दौरान इस बच्ची को बचाने के लिए पूरी हमने कोशिश करी थी, और सारे थे हमारे सेक्टर सारे। सर ये सेक्टर 23 का मामला है, ये मैडम अपना जिम करके और घर वापस जा रही थी, तो मार्केट में इसके साथ छेड़खानी करी 2-3 लड़कों ने, बाइक पे आए हुए थे वो, और मार्केट के लोगों के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, इसने उनका विरोध किया तो इसके साथ फिर हाथापाई करी, फिर मार्केट के लोगों ने इसको छुड़ाया, और अब शिकायत आई है हमारे पास, अब लीगल एडवाइजर के सामने इसके बयान करा के और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो इसमें कोई किसी को गिरफ्तारी या कोई ऐसी भी अभी सामने आई है कोई बात? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज करने के बाद की जाएगी। क्या उनकी कोई पहचान बताई जा रही है शिकायतकर्ताओं की तरफ से? मार्केट के लोगों ने कुछ पहचान बताई है कि मुझे शरगांव के रहने वाले हैं, और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिकायत बाई नेम दी है? शिकायत बाई नेम है। कौन है ये जिनका नाम लिया जा रहा है? ये 2 लड़के हैं, बाइक पे 3 लड़के आए थे, उनमें से 2 ने गलत हरकत की थी, अश्लील शब्द बोले थे और गलत हरकत करने की कोशिश की थी, उनके
के नाम हैं प्रिंस और सनी। दोनों मुझे सर के बताए जा रहे हैं। एक साहिल है, प्रिंस सनी साहिल, और अभी देख रहे हैं इसमें किसका कितना रोल है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अपन से काम नहीं चल तो कोई मेरे साथ गलत करे फिर बर्दाश्त, किसको कोई कुछ बोल रहे तो सीधी घर आ जाए। तो मैं नहीं, एक लड़का देखने में टी शर्ट खींची है, तीसरे का हाथ में डंडा था, बाइक पे बैठा, हाँ उसके हाथ में डंडा था, हाँ डंडा था उसके हाथ में, शुरू से ही डंडा लिए घूम रहा, सुबह एक दो तो बाद में डंडे लाए, एक का हाथ में तो डंडा ही था दो पैर से, उसमें वीडियो में तो सिर्फ दो में दिख रहा, सारे यहाँ पर भी है, ये भी है, यहाँ पे छिला हुआ है।